पहाड़ के बीच में रास्ता है, रास्ता पहले राइट उसके बाद लेफ्ट फिर राइट, आगे सीधा बहुत बड़ा पुल है। ये है अमरनाथ यात्रा जो जाती है, ये यहाँ का बेस कैंप है जहाँ पे यात्री इकट्ठे होते हैं, फिर ये रास्ता जो बीच में से निकलता है यहाँ 13-14 किलोमीटर और गाड़ियाँ जाती है। ये खतरनाक रास्ता है दोस्तों, आप देख रहे हो शायद ये रास्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम यहीं हैं सोनामर्ग, सुबह के बजे हैं 8, वो देख रहे हैं आप। हमने यहाँ पे टेंट लगाया था, एक भाई ने भी टेंट यहाँ लगा दिया हम दोनों ने, और सुबह से थोड़ा बहुत काम किया और अभी सोच रहे, अभी थोड़ी धूप निकली और देखो आप यहाँ जैकेट पहने हुए हैं। यहाँ मेरे को अभी नया जैकेट लेना ही पड़ा कुल मिला के, रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आगे जितना जाएंगे लद्दाख की तरफ तो यहाँ द्रास तक तो बहुत ख़तरनाक ठंड पड़ती है। और ये रहे हमारे टेंट, अब चलते हैं यहाँ, आपको यहाँ की नदी दिखाते हैं और सुबह सुबह का यहाँ का जो सीन है वो भी दिखाते हैं। इधर देखिए आप, ये पहाड़ पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इधर थोड़ा थोड़ा सूखा है पहाड़, और ये देखो इधर भी खूब बहुत सारे लोग हैं जो टेंट लगा के यहीं पे नाइट रुके थे। अब इधर चलते हैं, इधर है नदी। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं सीन नदी है, सीन है या सिंध है ऐसा कुछ नाम है। सुबह सुबह बहुत खतरनाक ठंडा पानी होता है इसका, देख सकते हैं। और ये नदी जो है ये आगे जाके कौन सी नदी है, झेलम में मिल जाएगी श्रीनगर में। चलो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं और फिर टेंट भी पैक करते हैं, फिर आगे निकलने की सोचते हैं। दोस्तों आखिर हमारा हो गया तैयार, टेंट वैंक और बैग हो गया पैक, और अब चलते हैं आगे सोनमर्ग को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं जोजिला की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, ये 4-5 गाड़ियाँ अब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इधर आग भी जला रखी थी यहाँ पे ठंड में, देखिए आप ये पूरी लकड़ी को जला के, अभी ये जलती भी छोड़ के चली गई यार। दोस्तों अब चलते हैं आगे और देखते हैं बीच में कैसे नज़ारे आते हैं, क्योंकि अभी आगे बहुत कम साधन है, हमका पैदल ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हैं बकरवाल जो यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराते हैं, अभी ये सुबह सुबह भेड़ बकरियाँ लेके ऊपर चले जाएंगे पहाड़ियों पे। ये यहाँ की हैं बकरियाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है अंकल जी? सिगरेट नहीं खाएगा है? सिगरेट का पीला यार, सिगरेट है ही नहीं, पीते ही नहीं हम। अंकल जी कुछ लोग ऊपर ही रहते हैं क्या, ऊपर पहाड़ों में भी उधर ही रहते हैं? अच्छा, किंतु गर्मी ज्यादा लगती है ना, गर्मी बहुत लगती है ना, इसीलिए हम आ गए, नहीं हमारी अपनी आवाज भी नहीं। आपका घर किधर है? रजौरी में। अच्छा जम्मू साइड उधर रजौरी, फिर ये सर्दियों में इधर आ जाते हो? गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं।
हाँ गर्मियों में, सर्दियों में नीचे चले जाते हो। अच्छा तो यहाँ फिर रहते हो, टेंट वेंट लगाते हो या नीचे इधर ही है? वो देखो ना जैसे वो लिखे हुए, वो सर अपने ही आपकी। अच्छा दोस्तों ये है सोनमर्ग का मार्केट। यहाँ सोनमर्ग कोई गांव नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे होटलें और दुकानें हैं, बाकी सब लोग यहाँ आसपास के गांव में रहते हैं। तो ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ आपको खाना पीना मिल जाएगा। यहाँ लगभग आपको नॉन वेज मिलेगा, वेज बहुत कम मिलता है, मिलेगा तो फिर चावल ही मिलेगा, चावल राजमा ऐसा है। हेलो, लव फ्रॉम केरला। केरला से? हम राजस्थान। तो ये भैया है केरला से आए, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इधर बहुत सारे ट्रक हैं, ये लद्दाख लेह लद्दाख जाते हैं, और देखते हैं यहाँ इसमें कोई लिफ्ट मिल जाए तो कौन सा जाएगा कैसे, आगे जाके पता करते हैं। ये ट्रक है, ये जा रहा है कारगिल तक, अब कारगिल तक इनके साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत हार्ड है, ऊपर पहाड़ बहुत ज़्यादा है और इतना वजन लेके मैं चढ़ नहीं सकता, इसलिए इनके साथ ही अभी जा रहे हैं। 500 रुपये ले रहे हैं, लिफ्ट तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी ये ट्रक जाएंगे ये पैसे लेंगे, तो वहाँ तक के 500 लेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर कोई और देखेंगे। आप अपनी भाषा बोलना, कश्मीरी है ना, कश्मीरी के होने कश्मीर पेट में सीम अपुआ। ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कश्मीरी जो भाषा है, कश्मीरी अगर हम बिल्कुल ही समझ में नहीं, बिल्कुल अलग है कश्मीरी भाषा, बिल्कुल अलग है, सही बात है। आप सब्जी है, सब्जी के ड्राइवर है हमारे सुपर फास्ट है। अच्छा यहाँ पे ये माल के सब्जी जा रही है? सब 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 ये सब गाड़ी सब्जी सारी सारी है, करीबन 10-12 गाड़ी है, टैंकर इसमें ऑयल होगा, पेट्रोल होगा या डीजल होगा। अच्छा ये सॉलिड्स का ये उस्ताद है, सोनमर्ग से आगे लद्दाख, लद्दाख में मतलब हम आज कारगिल रुकेंगे, तो हम जा रहे हैं ट्रक में। ये देखो पाजी है सरदार जी इनके साथ। फाइनली हमारा सफर शुरू हो गया है, ये है भाई लद्दाख वाली रोड, काफ़ी हार्ड है और बीच में बहुत सारे नज़ारे आएंगे आपको दिखा रहे हैं, चलेंगे और साथ साथ नदी भी चलेंगे, और हमारे साथ हैं भाई साहब फ्रेश फ्रेश चीज़, फ्रेश चीज़ चाहिए फ्रेश, और जानो केला अच्छा होगा तो तभी वो चीज़ लेंगे आगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं होगी तो वो कैसे, इसलिए सब जल्दी रहती है, इसलिए जल्दी रहती है सब्जी वाली गाड़ी, हर एक जल्दी होती है, जल्दी पहुँच जाएगी। और ले कितने बजे पहुँच जाओगे? हम 2-3 बजे पहुंच जाएंगे रात को, ले ले रात को सुबह 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 वही 3-4 हो गया सुबह का टाइम। हाँ तो भाई हमारे देखो आप हैं यात्री। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने ये पहाड़, ये है अमरनाथ यात्रा जो जाती है वो इस पहाड़ के ऊपर है, तो अभी मैं सारा आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से निकलती है। ये बेस कैंप है नीचे, ये जो दिख रहा है ये यहाँ
यहाँ का बेस कैंप है जहाँ पे यात्री इकट्ठे होते हैं। फिर ये रास्ता जो बीच में से निकलता है, यहाँ 13-14 किलोमीटर और गाड़ी आ जाती है, फिर वहाँ से आगे आपको फिर पैदल चढ़ना पड़ता है इस पहाड़ में। इस हेलीकॉप्टर भी जाता है और देखो रास्ते कितने खतरनाक है, आप देख रहे हो वो आ रही गाड़ियाँ, ये भी जा रहे हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रास्तों में से है। जिला पास और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे टूरिस्ट अभी आए हुए हैं। इधर पूरी बर्फ है। यहाँ से फिर आगे ये पास कंप्लीट करने के बाद आप लद्दाख में एंटर हो जाओगे।